नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक आपने कहाँ तक सुना था पाठ और मैंने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल देने फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, यदि दाहिने बाएं में बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि से पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है, देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। तो कल तक यहाँ तक था। ये पाठ मैं जो कर रही हूँ एक मंदिर के लिए है, एक शिवपाज है, और जो नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। कि सब्सक्राइब करें आप लोग और शेयर करें ताकि इस जो प्रण है इसको उद्देश्य को पूरा कर पाऊँ मैं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो आपने वो मंदिर की वीडियो देखी जिसके लिए मैं ये पाठ कर रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो ये शिव पुराण है कि नौ मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी ग्यारह मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। बारह मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानव मस्तक पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते हैं। तेरह मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ कराता है। चौदह मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए, अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों का प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीम नमः, सबसे एक नंबर पहले रुद्राक्ष के लिए, दूसरे रुद्राक्ष के लिए ओम नमः, तीसरे रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीम नमः, चौथे रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, पांचवें रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, छठे रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः, सातवें के लिए हूम नमः, आठवें के लिए ओम हूम नमः, नौवें के लिए ओम ह्रीम हूम नमः, दसवें के लिए ओम ह्रीम नमः, ग्यारहवें के लिए ओम ह्रीम हूम नमः, बारहवें के लिए क्रों शों रों नमः, तीसरे के लिए ओम ह्रीम नमः, चौदहवें के लिए ओम नमः।
तो इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डांकनी शंकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं ये सबके सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान शिव विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आज का पाठ यहीं तक था। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पाठ अवश्य पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय।